गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा था, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स था या ब्लड सेल्स था। ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट बताया था अपन ने? 55% एंड ब्लड सेल्स कितने परसेंट बताए थे? 45%। ठीक है, हमने प्लाज्मा के जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसके फॉर्मेशन को कहते क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हीमोपोएसिस एक टर्म है हमारे पास। हीमोपोएसिस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इस कॉल्ड हीमोपोएसिस। ठीक है, जो ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, उनके फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है? हीमोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की। जब एम्ब्रियो होता है, ठीक है, तो जब एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन ब्लड आइलैंड्स में होता है। इसमें ब्लड आइलैंड्स में, ठीक है, ये एक साइट है जहां पे एम्ब्रियो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो से आगे फर्दर बड़ा डेवलपमेंट होता जाता है उसका, तो क्या होता है, जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की जो जगह है वो ब्लड आइलैंड से हटके स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एम्ब्रियो का आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो अब कोई ब्लड आइलैंड में ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, अब वो ब्लड सेल्स कहां पे बन रहे हैं? स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स के अंदर बन रहे हैं। और अगर ज्यादा आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इनका जो काम होगा, ठीक है, वो काम लास्ट में फर्दर आगे कौन डिवाइड करेगा? बोन मैरो। कोई भी जैसे नियोनेट की बात कर लेते हैं हम, या न्यूबॉर्न की बात कर लेते हैं, नियोनेट या न्यूबॉर्न का जो डे पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? 0 से 28 डे का। तो अगर हम एक नियोनेट या न्यूबॉर्न की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कहां पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो, ठीक है, तो बोन मैरो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है बोन मैरो? एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि किसी भी बोन के बिल्कुल सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही साइट होती है जहां पे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन मैरो जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रेड बोन मैरो, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज येलो बोन मैरो। ठीक है, बचपन में या आपने जो अर्ली चाइल्डहुड डेज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो अपना पूरा स्केलेटन होता है, पूरा जो अपना कंकाल होता है, होल स्केलेटन होता है, ठीक है, उस होल स्केलेटन में जितने भी बोन्स वगैरह होती है उसके अंदर, सबके अंदर ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस पाया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। जैसे जैसे इन्फेंसी से या इन्फेंट से एडल्टहुड की तरफ लाइफ बढ़ती जाती है, आगे प्रोग्रेस होती जाती है, तो इस रेड बोन मैरो को येलो बोन मैरो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्डहुड के अंदर जितनी भी बोन्स थी, ठीक है, सबके अंदर क्या था? रेड बोन मैरो था। ठीक है, वो सारी रेड बोन मैरो क्या कर सकती थी? ब्लड सेल्स बना सकती थी। बट जैसे जैसे एडल्टनेस की तरफ गए तो ये इस रेड बोन मैरो किसने रिप्लेस किया? येलो बोन मैरो ने। येलो बोन मैरो इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, ओनली रेड बोन मैरो इज कैपेबल। ओके, बट इन एडल्टहुड सम बोन्स लाइक पेल्विक बोन्स, स्कल बोन्स, ठीक है, शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, रिब्स, रिब बोन्स, ठीक है, इनके अंदर भी कुछ अमाउंट में रेड बोन मैरो होता है,
और एडल्ट्स में या आगे फर्दर एज में ये रेड बोन मेरो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे ब्लड सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। येलो बोन मेरो क्या होता है, इस रेड बोन मेरो में येलो बोन मेरो रिप्लेस हो जाता है और येलो बोन मेरो के अंदर ओनली फैट टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ अपन चलते हैं तो क्या होता है, रेड बोन मेरो को किसने रिप्लेस किया, येलो बोन मेरो में, ठीक है। बट कुछ बोन्स ऐसी रह जाती है जिसके अंदर कुछ परसेंटेज में क्या रहता है, रेड बोन मेरो रहता है, ठीक है, और वो ही कैपेबल होता है ब्लड सेल्स को बनाने के, ठीक है। बच्चों में या चाइल्ड्स में पूरे स्केलेटन में रेड बोन मेरो होता है, जैसे जैसे चाइल्ड एडल्ट की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेड बोन मेरो जो होता है वो येलो बोन मेरो में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली इसके बारे में, बोन मेरो के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस बोन मेरो में भी कौन से सेल्स होते हैं जो असली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या बनाने के, ब्लड सेल्स बनाने के। तो रेड बोन मेरो में भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, क्या नाम है इनका, स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि कैपेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के प्रीकर्सर बनाने में, ठीक है। ये स्टेम सेल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, टोटिपोटेंट एंड प्लूरोपोटेंट, ठीक है। स्टेम्स टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये अपनी बॉडी के सारे सेल्स बना सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सब जानते ही हैं, जो कि एक लिंक होता है मदर एंड बेबी के बीच में, ठीक है। तो टोटिपोटेंट सेल्स क्या हुए, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हुए, जो कि प्लेसेंटा को इंक्लूड करके अपनी बॉडी के जितने भी सेल्स है वो उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जबकि प्लूरोपोटेंट जो अपने स्टेम सेल्स होते हैं वो अपने बॉडी के सारे सेल्स बना सकते हैं एक्सेप्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटल सेल्स जो होते हैं वो प्लूरोपोटेंट सेल्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स के बारे में समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ये समझ सकते हैं कि जितने भी अपनी बॉडी के सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हो गए, मसल हो गए, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के अपनी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, तो उन सबका जन्मदाता कौन है, एक तरीके से स्टेम सेल्स है। और वो स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, बोन मैरो में, या अपन बात करें रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस करा था इसके बारे में, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और इसका एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सेकेंड टाइप के जो सेल्स है डब्ल्यूबीसी बताया था जिसको अपन ने सोल्जर ऑफ सेल्स बोला था, ठीक है, सोल्जर सेल्स बोला था जिसको अपन ने, इसका एक दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड वन इज क्या बात करेंगे हमने, प्लेटलेट्स जो कि क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, इसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अपने बोन मेरो में। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कुछ डब्ल्यूबीसीज वगैरह होते हैं वो लिम्फ ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गई, कुछ नोड्स हो गए, लिम्फ नोड्स, वहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं डब्ल्यूबीसी कुछ पार्ट्स होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में, और बोन मेरो में भी कहाँ पे, स्टेम सेल्स में, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम एक एक करके अब सेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो जितने भी ब्लड सेल्स अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनका 99% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स ही होता है, ठीक है। 99% ऑफ द ऑल ब्लड सेल्स आर आरबीसीज, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीसी किस, अगर अपन ने हीमोपोएसिस किसको बोला था, जब सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, अगर हम पर्टिकुलर आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो उसको हम क्या बोल देंगे,
एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। उसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो होती है इसकी प्रॉपर्टी, दे आर बाई कॉनकेव, इनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो कैसे होते हैं ये, बाई कॉनकेव होते हैं, एक तरह से हम समझ सकते हैं कॉनकेव लेंस की तरह होते हैं, ठीक है। कैसे, ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस लेंस की तरह होते हैं एक तरीके से, अपन जैसे पोलो का एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हम पोलो खाते हैं, ठीक है, तो उसका आउटर सरफेस जो होते हैं वो तो क्या होता है, थिक होता है, बीच में से कैसा होता है, इसका खोखला होता है ना, वैसे ही आरबीसी का सेम स्ट्रक्चर होता है, बट बीच में एक हल्की सी पतली सी मेम्ब्रेन सी होती है। तो इसका मतलब इसके इसका जो शेप है वो बिल्कुल पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि जो बीच की पतली मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल इसलिए है ताकि आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो सके, एंट्री हो सके एंड एग्जिट हो सके, जो बीच की इसकी पतली मेम्ब्रेन है वो तो इसलिए, ठीक है। और इसका जो बाइकॉनकेव सरफेस है, ठीक है, बाइकॉनकेव जो इसका शेप है वो इसलिए रखा गया है ताकि जो एक्सचेंज गैसेस का वो ज्यादा ज्यादा हो सके, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन इससे अटैच होगी वो उसको अटैच होने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, सरफेस एरिया मिल सके, इसलिए इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो अप्रॉक्स इसका जो डायमीटर होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है, कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, इसका डायमीटर कितना है, 7.5 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं ताकि ये जो माइन्यूट कैपिलरीज होती है स्मॉल स्मॉल उसके अंदर से आसानी से निकल सके या पास आउट हो सके, ठीक है, और ये स्क्वीज हो के आराम से उसके अंदर निकल सके, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी रेड ब्लड सेल्स की। अब फंक्शन इसका एक सिंपल सा है, रेड ब्लड सेल्स का एक सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का, इसका फंक्शन होता है इनका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं और कुछ अमाउंट में CO2 को भी बाहर ले जाते हैं टिश्यू से, ठीक है। तो एक तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कौन, रेड ब्लड सेल्स। अगर ये आरबीसी जो होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन से बाइंड होती है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन होगी आरबीसी का, आज का टॉपिक हमारा ओनली आरबीसी के ऊपर है, ठीक है। अब हम स्टेम सेल्स की बात करी थी हमने, जो कि किसी भी सेल को राइज कर सकते हैं ओनली प्लेसेंटा को छोड़ के, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स जो आरबीसी है हमारा वो कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, स्टेम सेल राइज, ठीक है, जो कि स्टेम सेल का प्रेजेंट होता है अपने बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, उस स्टेम सेल से आगे वो किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट में, ठीक है, इससे ये कन्वर्ट हुआ इरिथ्रो ब्लास्ट से कन्वर्ट हुआ रेटिकुलो साइट में, और रेटिकुलो साइट से लास्ट में वो किसमें कन्वर्ट हुआ, इरिथ्रोसाइट, या फिर इसका एक और नाम क्या है, आरबीसी। ये एक लाइफ साइकिल है एक मैच्योर आरबीसी की, एक आरबीसी एक इनमैच्योर आरबीसी से मैच्योर आरबीसी कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बात करी, सबसे पहले हमने देखा कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट है बोन मेरो में, ठीक है, स्टेम सेल्स किसमें कन्वर्ट हुए, सबसे पहले प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट में, ठीक है। आरबीसी ऐसे ही नहीं है कि डायरेक्ट स्टेम सेल ने डायरेक्ट आरबीसी बना दिया, इरिथ्रोसाइट बना दिया,
स्टेम सेल भी प्रोसेस वाइज प्रोसेस चलती है और आगे इनकी ये फॉर्म कन्वर्ट होती है आरबीसी की। ठीक है, ये सब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल ने डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी बना दिया, स्टेम सेल ने डायरेक्ट क्या बना दिया, प्लेटलेट बना दिया। वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल ने क्या करा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से वो किसमें कन्वर्ट हुआ, फिर एरिथ्रोब्लास्ट में, एरिथ्रोब्लास्ट से वो किसमें कन्वर्ट हुआ, रेटिकुलोसाइट में, और फाइनली रेटिकुलोसाइट से वो जाकर किसमें कन्वर्ट हुआ, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी में। ठीक है, इस पूरे इवेंट्स को, कितने इवेंट होगा, ये 2, 3, 4 and 5, इस पूरे इवेंट को होने में अप्रोक्स 7 days लगते हैं। कितने डेज लगते हैं, 7 days अप्रोक्स इसमें लगते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब रेटिकुलोसाइट बना तो रेटिकुलोसाइट्स क्या हुए, अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर अंदर एंट्री कर ली उन्होंने रेटिकुलोसाइट्स में, एंड विद इन 1 or 2 days, एक या दो दिन के अंदर अंदर ये रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने ये वाली ये है कि रेटिकुलोसाइट तक आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है इस यहाँ इस पॉइंट तक, बट जैसे ही रेटिकुलोसाइट्स एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देते हैं, ये लूज कर देते हैं, वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इतना समझ में आया सबको? तो स्टेम सेल से प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट, एंड रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट और आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल की एक मैच्योर आरबीसी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये तो सीरीज ऑफ इवेंट्स नकर हुआ अभी। ठीक है, तो एक मैच्योर आरबीसी को डेवलप होने में कितने डेज लगे अपने पास, 7 days लगे। ठीक है, और इस आरबीसी का एक आरबीसी एक रेड ब्लड सेल का जो टोटल कार्यकाल होता है या फिर इसका पूरा जो जीवन चक्र होता है वो कितने कितने दिन का होता है, ओनली 120 days का। इनिशियल 7 days में क्या करते हैं, इनिशियल 7 days में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनिशियल 7 days में पूरा एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली अप्रोक्स 120 days के अंदर अंदर ये क्या करते हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि कितना अमाउंट में या कितने नंबर में ये रेड ब्लड सेल्स अपने अंदर ह्यूमन एक एवरेज एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें मैन की, ठीक है, तो मैन के अंदर इनका जो नंबर होता है वो 4.7 to 6.1 million होता है। ठीक है, 4.7 to 6.1 million माइक्रोलीटर। ठीक है, सेकेंड अगर वुमेन की बात करें तो उसके अंदर इनका लेवल होता है 4.2 to 5.4 million। ठीक है, और अगर हम एक चाइल्ड की बात करें या चिल्ड्रंस की बात करें हम, तो इसका लेवल होता है 4 to 5.5 million। ठीक है, तो अगर मैन की बात करें तो कितना हो गया, लगभग ये 47 lakhs to 61 lakh। ठीक है, वुमेन के अंदर अगर हम बात करें तो 42 lakh to 54 lakh, एंड अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 40 lakh to 55 lakh तक इनका लेवल होता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, अपन ने जैसे बात करी थी ब्लड सेल्स बढ़ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ठीक है, ये नंबर ऑफ आरबीसी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि एक सेकंड में जो आरबीसी के या रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की रेट होती है वो कितनी होती है, 2 million or 20 lakhs। इसका मतलब इन वन सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में 20 lakh या 2 million आरबीसी डेली पर सेकंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इनका जो लेवल होता है, मतलब एक आरबीसी के डेथ का और एक आरबीसी के बर्थ का, वो क्या होता है, मेंटेन रहता है।
ठीक है, अगर जितनी डेथ होती है उतनी वापस क्या जाती है, उसकी बर्थ हो जाती है। ठीक है, ये हमने बात करी ली। ठीक है, अगर हम बात करें कि एडल्ट के अंदर, एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स बॉडी में मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं कुल 30 ट्रिलियन। कितने हो गए? 30 ट्रिलियन आरबीसी। ठीक है, एंड 1% आरबीसी जो होते हैं वो डेली के डेली क्या होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, मैक्रोफेजेस उनको खाते रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपन एरिथ्रोमाइसिस की बात कर लेते हैं वापस थोड़ी सी। क्या बताया था अपन ने कि एरिथ्रोमाइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स या प्रोडक्शन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो इमेच्योर ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं अपने ब्लड के अंदर। इमेच्योर ब्लड सेल्स की अपन ने बात करी थी, कौन से थे इमेच्योर ब्लड सेल्स? रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स रिलीज हुआ अपने ब्लड में और विद इन 1 से 2 दिन के अंदर ये क्या होते हैं, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अपना, वो आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन। आरबीसी कैसे ऑक्सीजन को बाइंड करती है, अभी हमको समझ में आया। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें हीम की, ठीक है, तो ये क्या है, आयरन पोर्शन और एफी पोर्शन। ठीक है, और ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहां प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये हीम जो पार्ट हो गया वो आयरन पार्ट हो गया, और ग्लोबुलिन पार्ट हो गया, जो ग्लोबुलिन पार्ट हो गया वो क्या, एक तरीके से एक तरीके का प्रोटीन हो गया। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन की चेन में 4 प्रोटीन की चेन होती है, और उसी 4 प्रोटीन की चेन के अंदर 4 Fe के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितनी चेन होगी, प्रोटीन की 4 चेन प्रेजेंट होती है। एंड जो आयरन होता है वो कितना, आयरन की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि कितने आयरन प्रेजेंट है इसमें, 4 Fe, तो 1 Fe 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, तो 4 Fe है अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, तो वो कितने ऑक्सीजन लेके जाएगा, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो अपने जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, अपने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके मैच्योरेशन में 2 चीजें हेल्प करती हैं। क्या कहती हैं वो चीजें, विटामिन B9 एंड B12। ठीक है, अगर हम B9 एंड B12 की डाइट लेंगे तो हमारे जो ब्लड सेल्स होंगे या रेड ब्लड सेल्स होंगे उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। ये विटामिन B9 एंड B12 अपने जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मीट हो गए, लीवर हो गया, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे बीन्स वगैरह हो गए, दूसरी चीजें, इन सब के अंदर, इन सब से अपन विटामिन B9 एंड B12 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम अपन को क्या बता रहे थे, अपन क्या बात कर रहे थे कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 Fe के मॉलिक्यूल्स एंड 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 प्रोटीन की चेन्स होती है। ठीक है, और हर Fe एक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, 4 Fe कितने हो गए, 4 Fe कितने ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके अंदर, एक बात और, ठीक है, कि एक जो अपना आरबीसी होता है, 1 RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसके अंदर अप्रोक्स 280 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के एटम को, एक मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है, तो एक आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर कितने हीमोग्लोबिन है, 280, तो ये बहुत वास्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ठीक है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं यहां पे हम 2HB ले सकते हैं, इसको हम 2HB ओ कर दिया हमने ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अगर मिला ठीक है तो क्या बना दिया उसने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच का, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ये जानबूझ के वीक ही रखा गया है ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज कर सके जहां उसकी नीड है ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन कब रिलीज होता है, किन किन कंडीशंस में रिलीज होता है ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच ठीक है, जो हमारे हाई मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है ठीक है या टिश्यूज है ठीक है। तो जैसे कि अपन एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के कारण क्या होता है, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कुछ एसिड्स होते हैं वो अपनी बॉडी में रिलीज होते हैं ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, अपना जो पीएच होता है वो डाउन हो जाता है ठीक है। और पीएच डाउन होने के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ लो पीएच ठीक है, जहां पे एसिड रिलीज हुआ है तो वहां पे भी ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और ऑक्सीजन उस टिश्यू में जाएगा ठीक है, ताकि उस जगह के टिश्यूज को सप्लाई कर सके ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो गई अपनी हाइपोक्सिया। किसी भी कंडीशन के कारण अपनी टिश्यूज में अपनी सेल्स में हाइपोक्सिया कंडीशन हो गया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या अब्सेंस नहीं बोलेंगे इसको, हम बोल सकते हैं इसको ऑक्सीजन की कमी ठीक है, बिल्कुल अब्सेंस नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी इन अवर ब्लड इन अवर बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज ठीक है। हाइपोक्सिया कंडीशन किसी भी कारण हो सकती है, कोई अपन को लंग्स वगैरह की डिजीज हो गई, हम हाई एल्टीट्यूड पे चले गए या तो ऑक्सीजन का लेवल कम है ठीक है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा वो उन जगह के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन होती है टेम्परेचर। जो एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर वगैरह हो गया ठीक है, उनको बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ज्यादा चाहिए होती है ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा उसी जगह होगी जो मेटाबॉलिक ऑर्गन ज्यादा है बजाय कि कम के। तो जो ज्यादा मेटाबॉलिक ऑर्गन होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि इरिथ्रोपोएसिस को कंट्रोल कौन करता है ठीक है, कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोएसिस ठीक है, तो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है किडनी किडनी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो ही स्टिमुलेट करता है बोन मेरो को या स्टेम सेल्स को कि वो क्या बनाए, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाए ठीक है। अब इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कब सीक्रेट होगा, सीधी सी बात है जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, किसी भी अपने बॉडी टिश्यूज में अपने कमी होगी, रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का, टिश्यू ऑक्सीजन का ठीक है। तो जब भी ऐसा हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो किडनी क्या करेगी, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकालेगी। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकालेगी तो ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होगा वो अपनी बोन मेरो को या स्टेम सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम क्या सीक्रेट करो, क्या बनाओ, प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट बनाओ ठीक है। और जैसे अपने टिश्यूज की डिमांड पूरी हो जाएगी ऑक्सीजन की, किडनी ये हार्मोन निकालना इरिथ्रोपोएटिन को निकालना क्या कर देगी, बंद कर देगी ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 120 डेज इसका क्या होता है, लाइफ पीरियड होता है ठीक है। 120 डेज में ये बिल्कुल आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या होता है, खत्म हो जाता है ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कहां होता है, ये भी हम बात करते हैं ठीक है। 120 डेज कंप्लीट होने के बाद रेटिक्यूलो एंडोथेलियल
सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो एक्टिव होते हैं वो कहां होते हैं, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया एंड लिम्फ नोड्स हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर जो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है वो कहां होती है, जो साइट है ज्यादातर वो क्या, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया एंड अपना लिम्फ नोड, सॉरी लिम्फ नोड नहीं होगा, बोन मैरो होगा। ठीक है, तो यहां पे स्प्लीन लीवर एंड बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को बोलते क्या है, हीमोलाइसिस, जैसे हीमोपोएसिस पढ़ा था हमने प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, वैसे ही जो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन को अपन क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब रेड ब्लड सेल्स का हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, तो जो आयरन पार्ट होता है, ठीक है, जो आयरन पार्ट होता है वापस वो कहां चला जाता है, अपने ब्लड में ही चला जाता है। ठीक है, बोन मेरो में चला जाता है, सॉरी बोन मेरो में चला जाता है, किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, और बोन मेरो में जाके नया हीमोग्लोबिन के वो क्या बना सके, मॉलिक्यूल्स बना सके, न्यू एचबी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि बाद में बचा जो सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस बचता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन एंड उसके बाद वो कहां पास हो जाता है, लीवर में बाइल के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रेड ब्लड सेल्स के बारे में था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।